बीजेपी ने शुक्रवार को प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत श्याम जाजू, रामलाल और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी मौजूद थे। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में अगर आप ये तलाशेंगे कि किन पार्टियों में लोकतंत्र बचा है, उनमें आप सिर्फ दो पार्टियां ही ऐसी पाएंगे जहां ये कायम है, उनमें एक बीजेपी और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा कोई बता सकता है? बता सकता है कोई? कोई नहीं बता सकता। और अगर मैं आपको पूछूं कि सोनिया जी के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा तो कितने लोग बता सकते हैं? दरअसल अमित शाह बीते कुछ महीनों से देश के अलग अलग राज्यों के प्रवास पर जा रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली में भी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को इस सम्मेलन के लिए न्योता दिया गया था। इस मौके पर अमित शाह ने मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि बीजेपी की नीतियां गरीब आदमी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। इस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र को अगर समाप्त कर दिया गया है तो वो पार्टी देश के लोकतंत्र को कभी मजबूत नहीं कर सकती, देश के लोकतंत्र को कभी मजबूती नहीं दे सकती। इस रेफरेंस में देश की जनता ने कभी न कभी दंडात्मक दृष्टि से नहीं, परंतु शिक्षात्मक दृष्टि से नहीं, शिक्षणात्मक दृष्टि से इस पार्टियों का आंतरिक मूल्यांकन करना पड़ेगा। बहरहाल मोदी सरकार के अभी भले ही 5 साल ना हुए हों, लेकिन पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। ये भी उसी कड़ी का हिस्सा है। देखना होगा कि उन्हें इस मिशन में कितनी कामयाबी मिलती है। कैमरा पर्सन अतुल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।